नमस्कार दोस्तों, आप हमारे नानक नाम मशीनरी, सुखराज मशीनरी, गुरकीरत मशीनरी, अनमोल एक्सपोर्ट, अनमोल मशीनरी चैनल में आपका स्वागत है। ये दोस्तों, मैं एक नया बिजनेस जो है आपको मैं लेके आया हूँ। जो नया बिजनेस जो है, टिश्यू पेपर जिसको बोलते हैं, नैपकिन पेपर जिसको बोलते हैं, ये एक बिल्कुल नया बिजनेस है। ये लेटेस्ट मशीन है बिल्कुल। ये देखिए, ये जो दो मशीन है, ये देखिए, दोनों मशीन में एक छोटी मशीन है, एक बड़ी है। एक सिंगल कलर प्रिंटिंग है, जैसे ये वाली मशीन है, ये देखिए, ये सिंगल कलर है, ये सिंगल कलर सिंगल मोजिंग है। ये देखो, 30 इंची का मशीन है, ये सिंगल कलर है। इधर इसमें रोल इधर लगता है, पहले सबसे रोल इधर लगा देना है। जैसे ये इस मशीन में रोल लगा हुआ है, ये ऐसा रोल ऐसा सेम लग जाएगा। इधर आके इधर प्रिंटिंग होएगी, ये सिंगल कलर प्रिंटिंग है। इसमें इंक डलेगी, और जो स्टैंप वाला होता है, जो स्टैंप वाले से ब्लॉक बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन जो आपने लोगो जो लगाना चाहते हो इसके ऊपर, नैपकिन के ऊपर, इधर लोगो लग जाएगा साथ में। और इधर प्रिंटिंग होएगी, प्रिंटिंग होके इधर ये एम्बोजिंग यूनिट है, इसमें पेपर होके ऐसे एम्बोजिंग हो जाएगा पूरा। ये इसमें जो टिश्यू पेपर के ऊपर डिजाइन डला होता है कोई भी, वो ये वाले रूल है, इधर से डिजाइन डलेगा, ये इधर आके फोल्ड होएगा, फोल्ड होके ऐसे बाहर निकलाएगा पूरा। इधर कटिंग होके आगे नैपकिन बन के, टिश्यू पेपर बन के ऐसे इधर आ जाएगा। ये सिंगल कलर मशीन का था, और ये वाली डबल कलर का मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये डबल कलर मशीन है, ये देखिए, ये पूरा रील स्टैंड, बढ़िया वाला रील स्टैंड है। ये रील स्टैंड जो है, पूरा बढ़िया वाला रील स्टैंड हमने दिया है। इसमें ब्रेक सिस्टम भी दिया हुआ, सारा कुछ नीचे बैरिंग सिस्टम सारा कुछ दिया हुआ हमने। ये बढ़िया वाला जो रील स्टैंड है इसका, इसमें इधर रील लगेगी पेपर की, और इधर से रील ऐसे आएगी। ये डबल प्रिंटिंग है, ये दो प्रिंटिंग है, डबल कलर जो है ना, ये इसमें इंक डलेगी, इसमें इधर प्रिंटिंग होएगी, एक प्रिंटिंग इधर हो जाएगी। जैसे एक नीली है, एक रेड है, जैसे ब्लू कलर है, रेड है, कोई भी दो कलर आप प्रिंटिंग कर सकते हो। ऐसे इधर से पेपर जाएगा, इधर आएगा, ये डबल कलर प्रिंटिंग होगी। कोई भी डबल कलर प्रिंटिंग टिश्यू पेपर के ऊपर, जो नैपकिन है उसके ऊपर डबल कलर प्रिंटिंग कर सकते हो। ये दो यूनिट प्रिंटिंग के लगे हुए, ये देखिए, ये प्रिंटिंग के दो यूनिट है। एक ये वाला पहले लगेगा, फिर ये वाला लगेगा, इसमें पेपर घूम के जाएगा। फिर इसके इधर पेपर होके इधर आके एम्बोजिंग यूनिट जो है, ये दो यूनिट लगे हुए हैं, डबल प्रिंटिंग डबल एम्बोजिंग है। ये वाला एक यूनिट है, और ये वाला एक है, अलग अलग डिजाइन के दोनों हैं। एक में जो भी डिजाइन आप चलाना चाहते हो, एक कोई और डिजाइन चलाना है या दूसरे वाला चलाना है, उधर से पेपर घुमा के लगा दोगे तो दूसरा डिजाइन चल जाएगा। आप मतलब दोनों डिजाइन में से कोई एक डिजाइन इसमें पेपर का चला सकते हो। इधर आके फोल्ड होएगा, फोल्ड होने के बाद ये देखिए, सेंसर लगा हुआ, पूरा सेंसर सिस्टम, हर चीज़ लगी हुई है। क्योंकि इसमें जैसे आपने 50 की या 100 की पैकिंग करना चाहते हो, जितने की पैकिंग करना है, इधर से इधर इधर मीटर लगा हुआ है, उसमें सेटिंग है, उसमें सेट कर दो कि 50 की आपने पैकिंग करना है। 50 की सेटिंग करोगे, अपने आप एक कागज ऊपर उठा देगा पूरा, वो 50 की पैकिंग कर लो। जी अगर 100 की पैकिंग करना है, इसमें 100 फीड कर दो, वो अपने आप 100 नैपकिन के बाद में आपका ये पेपर ऊपर उठ जाएगा, और 100 की पैकिंग करते जाओ। ये पूरा पैनल सिस्टम बढ़िया सीमन कंपनी का बढ़िया सा पैनल लगा हुआ है, हर चीज़ मतलब सिस्टमेटिक है पूरी। ये फोल्डिंग यूनिट है इसका, इधर आगे आके इधर कटिंग होता है, ये आरा लगा हुआ है पूरा, इसका ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड में इसे ऑटोमेटिक कटिंग होके आगे आते जाते हैं। आपने यहाँ से उठाने हैं, पैकिंग करते जाना, बस कोई काम नहीं है। रोल लगा दिया एक आदमी, रोल लगा दिया इधर से आके, ये नल्प है इसका, लफाफे मिल जाते हैं ऐसे, प्रिंट हुए लफाफे मिल जाते हैं ऐसे। कोई भी नाम अपना ब्रांड जो है, कोई रेस्टोरेंट का नाम अपना ब्रांड कोई भी है, वो बना सकते हो ऐसे। जो एक एक पैकेट ऐसे जो पैकिंग कर देना आपने, एक पैकेट के पीछे 5-6 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है, 5-6 रुपये एक पैकेट का प्रॉफिट आ जाता है। और एक घंटे में 25,000 नैपकिन बन जाती हैं, एक दिन में 2.5 लाख नैपकिन जोड़ा टिश्यू पेपर है वो रेडी हो जाता है पूरा, एक दिन में पूरा। ये टिश्यू पेपर बनाने की सारा कुछ मैंने आपको बताया है, और ये बहुत बढ़िया पैनल लगा हुआ है, ये इमरजेंसी स्विच दिया हुआ है, मोटर ऑन ऑफ स्विच स्टार्ट दिया हुआ है। जो मोटर है, ये देखिए, क्रम्पटन कंपनी का मोटर लगा हुआ है, पूरा कंपनी का मोटर है, पैनल सीमन का लगा हुआ है, हर चीज़ जो भी है। और जो भी इसमें जो मशीन है, पूरी घर की लाइट, जो सिंगल फेस घर की लाइट है, उसी में चल जाती है। और एक रूम में देखिए, ये 15 फुट लंबी मशीन है, 4 फुट चौड़ी मशीन है, एक कमरे में ऐसे घर के रूम में लग जाएगी। और घर की बिजली में, जिसमें पंखा अपने लाइट चलाते हो, फ्रिज चलाते हो,
उसी लाइट में जो मशीन रनिंग में आ जानी है और अपना बिजनेस घर में बैठे बैठे बिजनेस करके 1-1.5 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकते हो। और जो पेपर इसका रॉ मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल हमारे से भी मिल जाता है, हर सिटी में मिल जाता है। पेपर जो है एक तो इसमें पेपर जो है इसमें एक पेपर जो है सॉफ्ट आता है, एक हार्ड आता है, सॉफ्ट पेपर भी है हार्ड भी है। सॉफ्ट पेपर जो है वो 70 रुपये किलो आ जाता है, और जो हार्ड पेपर है और सॉफ्ट पेपर जैसे 70 है तो जो हार्ड पेपर है उससे 5 रुपये किलो कम आ जाता है। ऐसे पेपर की क्वालिटी होती है, पेपर का ऐसे रोल मिल आते हैं, रोल मशीन में लग जाते हैं, रोल अपने आप लग के खत्म होएगा, रोल ही चेंज करना है बस आदमी ने, उतनी देर पैकिंग करते जाना है। बाकी दोस्तों ये हमारे ये खुद इधर मशीनें जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरी, ये देखिए ये सभी 2 मशीन अभी रेडी हुआ है, ये पैकिंग हो जाएगा जाने के लिए, चल जाएगी मशीनें। और ये देखिए दोस्तों जो मशीन वर्क जो पीछे फ्रेम बन रहे हैं, ये टिश्यू पेपर वाली मशीन जो पीछे रेडी भी हो रही है, और ये देखिए टिश्यू पेपर मशीन का फ्रेम बना हुआ है रेडी है, ये देखिए आगे मशीन और रेडी हो रही है टिश्यू पेपर वाली भी, और दूसरी मशीनें नोटबुक वाली जो भी और मशीनें सभी ये बन रही है। रेड उधर पेंट, पेंट वाला एरिया उधर है, पेंटिंग वाला उधर पेंट होती है, इधर मैन्युफैक्चरिंग होती है। और दोस्तों ये हमारे पास और बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे स्क्रू मेकिंग है, नेल वाली मशीनें हैं, ये स्क्रू वाली मशीनें हैं, नेल वाली है, और बार्बर्ड वायर की है, चैनलिंग फेंसिंग है, और वायर के रिलेटेड भी और सारी बहुत सारी मशीनें हैं हमारे पास। और जो मतलब हर टाइप की मशीन है हमारे पास, मशीनों की पूरी खान है, आपने कोई भी बिजनेस करना चाहते हो हर टाइप की जो मशीन है हमारे पास मिलेगी। ये दोस्तों ये देखिए ये नोटबुक वाली जो फुली ऑटोमेटिक प्लांट है वो भी पैकिंग हो गया है, ये देखो पैकिंग एरिया है, ये भी इधर है, ये इधर पैकिंग हो गया, मशीनें जाने के लिए रेडी है, ये देखिए ये रेडी है, ये कंप्रेशर इसके साथ मशीन के साथ होता है, फ्री कंप्रेशर भी फ्री साथ में देते हैं हम, ये कंप्रेशर मशीन के साथ है। बाकी मशीनें इधर रेडी हो रही है, फुली ऑटोमेटिक वाला जो प्लांट है पूरा ये भी बन रहा है, रेडी हो रहा है, ये स्पायरल बाइंडिंग मशीन है, ऑटोमेटिक मोटर वाली ये भी स्पायरल बाइंडिंग मशीन है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मशीन में देखो रोल लगा हुआ है, ये रोल हमने मशीन के अंदर लगा दिया है, देख सकते हैं रोलर से होके जैसे जा रहा है, भी एम्बोसिंग होकर, कटिंग होकर, फोल्डिंग होकर, कंप्लीट आपका नैपकिन बन के देखो अपने आप आ रहा है। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आपने कुछ काम नहीं करना ज़्यादा, बस रोल लगा दो, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग भी हो जाएगा, एम्बोसिंग भी हो जाएगा, फोल्डिंग भी हो जाएगा और कटिंग भी हो जाएगा। आपको बस सिर्फ काम करना है, तो पैकिंग का काम करना है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, कोई आदमी नहीं लगता ज़्यादा, एक ही आदमी से सारी मशीन ऑपरेट हो जाती है, बस पैकिंग के लिए आपको आदमी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में ऑटोमेटिक सारा बन के आ रहा है, या देखो काउंटिंग भी हो रही है इस पे सारा कंप्लीट कि कितने पेपर का कितने पैकेट का आपको बनाना है नैपकिन, वो भी काउंटिंग साथ ही में हो रही है। तो कंप्लीट मिलकर फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ये देख सकते हैं अभी प्रिंटिंग की ट्रेज हैं, ये रोलर लगा हुआ है, देखो ऑटोमेटिक घूम रहा है, जैसे आप देख सकते हैं फुली ऑटोमेटिक है, कोई देखो आदमी नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं करना, बस पैकिंग के लिए एक आदमी चाहिए आगे। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे फीचर भी आप देख सकते हैं, जैसे कटर की भी धार साथ ही में लग रही है, जो आगे ब्लेड नैपकिन को काट रहा है उसकी भी धार साथ ही में मशीन में ऑटोमेटिक लग रही है। तो ये मतलब कि फुली ऑटोमेटिक मशीन है, कोई लेबर नहीं लगती ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं जैसे आपको वीडियो दिखाऊंगा, जैसे देखो अभी नैपकिन अभी बन के अभी आएगी, बैंड सॉ की तरफ आएंगे, वो कटिंग हो जाएंगे। इसमें आप देखो आप जैसे नैपकिन बनेंगे तो जितने पे हमने सेट किया होगा वहाँ पे एक नैपकिन ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हैं जैसे वो ऊपर आया हुआ है नैपकिन। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे थोड़े से और निकल जाएंगे नैपकिन, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ जैसे हमने कितने पीस पे, अगर 50 पैकेट पे सेट किया है, 60 पे सेट किया है, 70 पे सेट किया है, 100 पे किया है, जितने पे मर्जी आपने जितना पैकेट बनाना है उतना उस पे सेट कर दो, वो देखो नैपकिन बाद कुछ नैपकिन बाद वहाँ से नैपकिन ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ये जितने पे आपने सेट किया होगा उतने पे वहाँ पे आपका एक एक नैपकिन ऊपर आता जाएगा, तो बस आपने वहाँ से बस पैकेट को उठाना है, वो ऑटोमेटिक बस आपको पैकेट को उठा के लिफाफे में डाल के उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। आप देख सकते हैं जैसे जितने पे हमने सेट किया उतने उतने नैपकिन बाद उतने उतने पीसीस बाद एक एक नैपकिन ऊपर आता जा रहा है। तो अब अपनी मर्जी से जितने का आपने पैकेट, जितने पीसीस का पैकेट बनाना है उतना आप मशीन में सेटिंग कर दो, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक उतने पीसीस बाद
वो एक एक नैपकिन ऊपर आता जाएगा, वहाँ से आप उठाओ और उसको पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हो। जैसा भी आपने प्रिंटिंग करना है, लिफाफा आप अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हो, जैसा चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप रोल लगा हुआ है, ये भी ये सिंगल कलर वाली, सिंगल कलर सिंगल एम्बॉसिंग है, जिसकी पहले वीडियो दिखाई थी वो डबल कलर डबल एम्बॉसिंग है। तो फुली ऑटोमेटिक देख सकते हैं दोनों मशीन्स हैं इसमें। आप देख सकते हैं जैसे कितने पीसीस बाद नैपकिन एक एक ऊपर आ रहा है, तो बस वहाँ से आपको उठाकर पैकेट में डाल के आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हो। तो ये दोनों मशीन्स की मैंने आपको वीडियो दिखा दी है, सिंगल कलर की भी दिखा दिया है और डबल कलर और डबल एम्बॉसिंग की भी दिखा दिया। जो दोनों मशीन्स थी दोनों की मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है, फुली ऑटोमेटिक है, कोई लेबर नहीं लगी, आपने देख लिया जैसे। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक आप देखते रहा करो। हमारी वीडियो में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी जो अंत तक देखोगे, और नए नए बिजनेस के आगे बारे पता चलता जाएगा। हमारे चैनल को देखने के लिए, जो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।